टाटा ग्रुप का मार्केट कैपिटलाइजेशन पाकिस्तान की कुल अर्थव्यवस्था से अधिक हो गया है। टाटा ग्रुप की कंपनियां पिछले एक साल में उसे दर्जा रिटर्न दिया है। उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी $365 बिलियन है। बात करें पाकिस्तान के इकोनॉमी के साइज की तो IMF के मुताबिक उसकी GDP अभी करीब $341 बिलियन की है। वही टाटा ग्रुप की एक और कंपनी टाटा कंसल्टेंसी की मार्केट वैल्यू $170 बिलियन है, जो पाकिस्तान के इकोनॉमी साइज का करीब आधा है। ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। पिछला एक साल में टाटा ग्रुप की कंपनियां टाटा मोटर्स, टाइटन, TCS और टाटा पावर ने दमदार परफॉर्मेंस किया है, जिसके चलते इनके मार्केट कैपिटल में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। टाटा ग्रुप की कंपनियों की संपत्ति एक साल में दोगुना बढ़ी है। बता दें कि टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा कैपिटल अगले साल IPO लाने की प्लानिंग कर रही है। अभी कंपनी की मार्केट वैल्यू 2.7 लाख करोड़ रुपए की है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की बात करें तो वित्त वर्ष 2022 में इसमें 6.1% और 2021 में 5.8% की वृद्धि दर्ज हुई है। वही वित्त वर्ष 2023 में गिरावट का अनुमान है। बाढ़ के चलते पाकिस्तान के $100 अरब की क्षति हुई है, जिसके चलते उस पर करीब $125 अरब का कर्ज चढ़ चुका है। तो देखा आपने कैसे चीन का पिटलगू बना पाकिस्तान भारत की कंपनी के आगे भी खड़ा नहीं हो पा रहा है, और आंखें तो ऐसे दिखाता है कि मानो दुनिया ही जीत लेगा। टाटा समूह की ये कामयाबी संदेश है उन दुश्मनों के लिए जो भारत के खिलाफ मुंह खोलने में कोई भी कमी नहीं छोड़ते हैं, लेकिन सच्चाई से वाबस्ता वाकिफ है।